अंबेडकर नगर में विकास कार्यों की, उसी के साथ साथ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनके सबके विकास की समीक्षा की गई है। संबंधित विषयों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया गया है कि जो कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं उनको समय सीमा के अंतर्गत उस काम को पूरा कराना है, गुणवत्ता युक्त कराना है और उसको अतिशीघ्र पूरा करा के कार्यदायी संस्थाएं उनको हैंड ओवर करें। उसी के साथ साथ जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं केंद्र के प्रदेश के, उनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय, बिजली के विद्युतीकरण की कार्रवाई और जो हमारे ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण है, अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण है, उन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। संबंधित अधिकारी को भी इस बात का निर्देश दिया गया है कि उस पर त्वरित ढंग से कार्रवाई करके जनता की भी समस्याओं का समाधान किया जाए, जो गांव में जनता की समस्या उत्पन्न हो रही उसका भी समाधान करें। हर बिंदु पर जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई विषय थे उन पर भी चर्चा हुई कि आयुष्मान भारत कार्ड जो बनाने की प्रक्रिया है उसको और तेजी के साथ करके उसको पूरा कराया जाए, पात्र गृहस्थी में जो मानक तय किया गया था उस मानक के अनुसार अतिशीघ्र बनाकर उनको सबको हैंड ओवर कराया जाए, इससे उन गरीबों को लाभ मिल सके। राशन प्रणाली व्यवस्था में भी उसको हम लोगों ने निर्धारित किया है कि ऐसे सभी जो कार्ड धारक हैं उनको तो राशन मिले ही, निश्चित समय पर जो उनकी मानकता है जिनको वो है इतनी यूनिट है उनको मिलना चाहिए। जो लोगों का राशन कार्ड अगर नहीं बना है उनको भी अभियान चलाकर उनका राशन कार्ड बनाया जाए, उनको भी राशन दिलाया जाए जो पात्र लोग हैं। इन सभी चीज़ों पर विधिवत बहुत समीक्षा बैठक हुई है। उन्हें लगता है 2 घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने हर विषय पर हिंदुआ समीक्षा बैठक किया है, विशेष शिक्षा से भी जुड़े हुए विषय पर, खेल कूद से भी जुड़े हुए विषय पर। हमारा जो स्टेडियम है, नए स्टेडियम हम एक बनाने भी जा रहे हैं यहाँ, अतिशीघ्र जो है ग्रामीण स्तर पर जो विकास करने पे उन सब चीज़ों का निर्देश दिया है, अतिशीघ्र उसका कार्यान्वित करके जो है और जनता को समझ में लाना पड़ा।